हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने उड़द दाल के आटे से बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई है। ये उड़द दाल का आटा भी पहले हम रेडी करेंगे, उसके बाद में इसका हलवा, लापसी, पूरी, पकोड़े, पराठा बनाएंगे। तो जब आप परेशान में मिक्सी नहीं चलाते हैं तब भी आप ये सब वैरायटी बना के खा सकते हैं। पहले थोड़ी सी इसके लिए हमें प्रिपरेशन करके रख देना है। ऐसे भी आप चौमासे में फटाफट बना के खा सकते हैं, या फिर तिथि के दिन भी आपको अगर ये सब हेल्पफुल रहेगा इसमें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी भी बनती है और आसानी से बन भी जाती है। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप उड़द दाल ली। ऐसे देखें तो ये आधा किलो के आसपास होती है, 1/2 kg। इसे हमें वॉश करना है अच्छे से ताकि इसमें से वाइट वाइट सब निकल जाए। इसके बाद में ये जैसे पानी में से निकाल दिए और हमें इसको एक छन्नी में डाल देना है ताकि इसमें से जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद में हम इसको एक कप के अंदर डाल के रख देंगे और इसको पंखे के नीचे या थोड़ी देर धूप में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो एक्सेस पानी जो भी होगा वो थोड़ा उड़ जाएगा। उसके बाद में हम इसे सेकेंगे, आसानी से ये सेक सकते हैं। बस हमें इसको सेकने में ही मेहनत करनी है, उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मिक्सी में ही आराम से ग्राइंड हो जाती है। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस तरह से फैलानी है हमें। और ये देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ा पोंछ भी सकते हैं। अगर थोड़ा पानी है तो आप इसको थोड़ा सा सुखा दीजिए। अभी ड्राई हो गई है तो हम इसको डाल देते हैं इसमें। कढ़ाई में हमें कुछ भी डाला नहीं है, ऐसे ही हम सेक रहे हैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर। आपको ज़्यादा मीडियम फ्लेम भी रखनी नहीं है, बाद में कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम लो कर देंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो साइड में रख दीजिए, बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि नीचे चिपके नहीं। और कढ़ाई थोड़ी जाड़ी वाली लीजिए। इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक हम इसे सेक लेंगे। उसके बाद में इसको ठंडा करके जार में डाल के ग्राइंड करने के बाद एक बार हम इसको छान लेंगे, ऊपर से जो मोटा मोटा है फिर से छान लेंगे। और बाद में जो बच जाएगा वो हम साइड में रख देंगे, उसकी भी हम एक वैरायटी बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए कितना आसान है और कितना आपको हेल्पफुल हो जाएगा पूरे परेशान में। और उसके बाद भी आप आराम से इसको सारी वैरायटी बना के खा सकते हैं। वैसे भी आप चौमासे में ये करके रखेंगे तो आपको पहले ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डेली आप जब भी बना रहे हैं तो उसमें यूज़ में ले सकते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी पहली वैरायटी, वो है उड़द दाल का हलवा। ये भी मूंग की दाल के हलवे जैसे बनाया है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें 1/4 कप जैगरी का पाउडर डाला है। आप शक्कर डालना चाहें तो शक्कर डालिए, या फिर गुड़ डालना चाहें तो गुड़ डालिए। अब इसमें 2-3 बड़े चम्मच हम घी ले लेंगे और इसमें डाल देंगे उड़द दाल का आटा 1/4 कप। जितना हमने गुड़ लिया है उतना ही आटा लिया है। इसे हमें लो फ्लेम पर सेकना है। पहले से हमने थोड़ा इसको सेक के रखा हुआ है, जब दाल को सेका था तब, तो ये बहुत ही आसानी से जल्दी से फटाफट सेक जाएगा। ये देखिए जब कलर अच्छा आ जाएगा और ये एकदम डार्क हो जाएगा, थोड़ा घी भी इसमें से निकल जाता है, तब हम इसमें डाल देंगे ये गुड़ का पानी। अगर आपने गुड़ लिया है और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो आप इसको छान के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने 1 कप पानी डाला है ताकि ये दानेदार जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए और ये पक भी जाए। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, बादाम डालना चाहें तो आप बादाम को भी पहले से फ्राई करके रख सकते हैं और फिर इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही फटाफट तो बनता ही है, बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ा इस तरह का जब हम इसको रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, शाम तक भी आप इसको खाएंगे तो आराम से खा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पानी डाला था, पर ये देखिए सारा सोख लिया है, क्योंकि ये दाल का आटा जब हम घर में बनाते हैं थोड़ा मोटा होता है। और ये हलवा भी बहुत दानेदार बना है, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि कोई भी देखेगा तो खाने का मन हो जाएगा। अगर आप एकाश ना कर रहे हैं तो आप इसको फटाफट बना के अपने खाने में ले सकते हैं। अब हम दूसरी वैरायटी बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 1/2 कप उड़द दाल का आटा लिया है, 1 कप पानी डाल दिया है इसमें।
इस तरह से हम इसको भिगो के रख देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। अब ये थोड़ा मोटा आटा है, दानेदार है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से भिगोएंगे। उसके बाद में फेंट देंगे। भिगोने में 2-3 घंटे लग गए थे। इसमें नमक डाल देंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक 3-4 टीस्पून डाला है। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छे से फेंटना है 4-5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए और इसके पकौड़े आसानी से बन जाए। ये पकौड़े आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने अमचूर की चटनी बनाई थी, बहुत ही वो टेस्टी बनी थी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले हैं। तो आप अपनी चॉइस से कुछ मसाले डाल सकते हैं, जो भी हम खा सकते हैं तिथि में या पर्यूषण में उस टाइप से। इस तरह से आप दूसरी दूसरी वेराइटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 वेराइटीज़ ट्राई की है। अब 1/4 कप आटा लेंगे उड़द दाल का, 1/4 कप पानी डालेंगे। थोड़ा पानी और डाल के इस तरह का बैटर बना के रख देंगे। इसे भी हमें भीगने देना है, क्योंकि जब आप लंच के लिए बना रहे हैं तो सुबह भिगो के रख दीजिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल, जीरा पाउडर, हींग, हल्दी डाला है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च कूटी हुई डाली है, पाउडर भी आप डाल सकते हैं, नमक डाला है 1/2 टीस्पून, और इसमें हम दूसरे अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर वगैरह भी जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है। फिर इसमें घी या ऑयल डाल देंगे 3-4 चम्मच। इसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला है। ये मेजरमेंट एकदम बराबर है। पहले 1/2 कप डालेंगे, उसके बाद में मिक्स करके थोड़ा 1/2 कप और डाल देंगे। उसके बाद में मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा लगाएंगे। ये आटा बिल्कुल कड़क और बिल्कुल गीला नहीं है, जैसे हम पूरियों का आटा लगाते हैं आराम से बेल सके, वैसा आटा बना है। थोड़ा सा ऑयल लेके अब इसको मसल के रख देंगे। 15-20 मिनट का रेस्ट दे देंगे। उसके बाद में हम इसमें ऑयल गरम करेंगे, छोटी छोटी बॉल्स बना देंगे और इसकी पूरियाँ बेल देंगे। सारी पूरियाँ एक साथ बेल के भी आप फ्राई कर सकते हैं। ऑयल ऐसा गर्म होना चाहिए कि पूरियाँ एकदम से ऊपर आ जाए। इसमें हमें ठंडे ऑयल में पूरी नहीं डालनी, नहीं तो कड़क हो जाएगी या फिर फैल जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से बबल्स आने चाहिए, तभी आपकी पूरियाँ सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है तो झारे से थोड़ा सा आप इस तरह से करेंगे तो कोई भी डो लेंगे, पूरियाँ अच्छे से फूल जाएगी। अब ये टेस्टी पूरियाँ बना सकते हैं, इसके पराठे बना सकते हैं या फिर इसका थेपला बना सकते हैं, पतले पतले, बहुत ही ये टेस्टी लगेंगे। अब मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ उड़द दाल स्टफ़ करके। उसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। जीरा थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद में 1/4 टीस्पून सौंफ डालेंगे, हींग और हल्दी डाल देंगे, सफ़ेद तिल 1/2 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप उड़द दाल का आटा डाल देंगे और इसको हमें सेकना है, लो फ्लेम पर सेकना है, ताकि ये चिपके नहीं नीचे और जले भी नहीं और अच्छे से सेक भी जाए। साथ ही में मैंने यहाँ पर गर्म पानी करने को रख दिया है, कि अगर आप 1/2 कप उड़द दाल का आटा ले रहे हैं तो 1.5 कप आपको पानी लेना है। पानी गर्म करके हम डाल देंगे इसमें। इसके अंदर हम मसाले भी डाल देते हैं, जब ये सिक जाएगा तब हम लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, इसमें कोई भी गुठलियाँ भी नहीं हुई थी। और नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर मैंने पहले थोड़ा कम डाला था, इसलिए लास्ट में मुझे थोड़ा नमक कम लगा था, तो टोटल मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें। आप चाहें तो इसमें अमचूर का पाउडर डालिए। लास्ट में 1 चम्मच ऑयल डाल के इस तरह से हम इसको ड्राई कर देंगे। ये देखिए कितना ये अच्छा हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अब आटा लेंगे, रोटी का या पराठे का, जो भी आप आटा लगाना चाहें लगा सकते हैं, और इस तरह से हम फिल करके इसके पराठे सेक लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं, कचौड़ी का आटा लगा के। ये बहुत ही टेस्टी पराठे बन के रेडी हुए हैं। और जैसे ही मैंने इनको बेल के रख दिया है, अभी मैंने सिर्फ 3 बनाए हैं। तवा गरम हो गया है, थोड़ा सा मैंने ऊपर घी लगाया है और इसको उलट पलट के सेक दिया है। घी से या ऑयल से आप किसी से भी सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल भी रहा है।
एकदम अच्छा पराठा बन के रेडी हुआ है, तो ये पराठा एक बार आप ज़रूर बनाइए इस तरह से। अब ये देखिए, अब हमारी दूसरी वैरायटी बनेगी यहाँ पर। ये पराठे सॉफ्ट भी इतने बने हैं और मसाला भी अच्छे से फैला है। मैं आपको एक बार इसको निकाल के भी बता देती हूँ यहाँ पर। अब हम लापसी बना रहे हैं। पैन में 2 बड़े चम्मच घी पहले से था तो मैंने आपको बताया नहीं है। 1/4 कप उड़द दाल का ये जो मिक्सचर बचा था मैंने छानने के बाद में, और 1/4 कप गेहूं का दलिया लिया है। पहले गेहूं का दलिया डाला है, उसके बाद में उड़द दाल और मूंग दाल का मैंने मोटा मोटा पार्ट जो बच गया था वो डाल दिया है। अगर आप लापसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको दाल में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे सेकना है और सेकते सेकते ये काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी बादाम डाल देंगे। मैंने कागजी बादाम का यूज़ किया है इसमें। इसमें पहले मैंने 2 कप पानी लिया है क्योंकि ये दाना बहुत मोटा है तो हमें इसे इसी तरह से सेकना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी। गर्म पानी डाल के हम इसको रख देंगे और ये पानी जब तक सोख लेगा तब तक हमें इसे रखना है। बीच में मैंने इसको एक दो बार हिला दिया था। अभी हम कवर करके रख देंगे। और यहाँ पर मैंने केसर भिगो के रखी है, वो भी डाल दी है। अब ये देखिए इतना हो गया है, तो हम इसके लिए मीठा करने के लिए रेडी करते हैं। पैन में हम लेंगे 1 कप पानी और 1/2 कप जितना हम गुड़ का पाउडर लेंगे या फिर शक्कर लेंगे और इसमें डाल देंगे गरम करके। उसके बाद में हम इसको वापस से रख देंगे ढक के और ये पूरा पकने देंगे। दाना अच्छी तरह से पक जाए तब तक हमें इसे रखना है। लास्ट में ऊपर से हम थोड़ा घी डाल देंगे और इसमें थोड़ी शाइनिंग भी आ जाएगी, टेस्ट भी आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लापसी बन के रेडी हुई है। आप इस तरह से भी बना के देखिए, तो आप सारी वैरायटीज़ पर्यूषण में आराम से बना सकते हैं। अगर आपने ये तैयारी पहले से कर दी है, एक बार आप ज़रूर कीजिए इस तरह से।